أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن شلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتئه فيها تبيلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك वा लिया। वा लिया। सबसे अव्वल सबसे पहले शुक्र है परवरदिगार का कि उसने हमें तोफ़ी कता फरमाई कि हम नहजुल बलागा खुद के खुदबो के जरिए नहजुल बलागा के जरिए अपने इल्म में इजाफा कर सके

उसे चाहिए कि इसी दरवाजे से दाखिल हो और आज हम यही अल्लाह की इसी हदीस पर अमल करते करते हुए नहजुल बलागा के जुमलों के जरिए नहजुल बलागा के खुबों के जरिए जो अमीर अमअमिन के अल्फाज अमीर अलमअीन के जुमले हैं उसके ज़रिए अपने इल्म में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं परलार आलम से दुआ है कि खुदा हमारी तोफ़ीक़ात में बेहतरीन इजाफा फरमाए और हमें अमीर अलमअन के खुतबों को इमाम के जुमलों को समझने की तोफ़ीकता फरमाएं तो अजीज़ा ने मोहतरम इनशा आज जो हम आगाज कर रहे हैं खुतबा नंबर तीन खुदबिया खुदबा इर्शात फरमा रहे थे तो इमाम एक ऊँट पर तशरीफ फरमाते एक ऊँट पर बैठे हुए इमाम ने एक इस पूरे खुतबे को बयान फरमाया और इस खुतबे में बायदा अः जब ये खुतबा इमाम बयान फरमा रहे थे तो इस को बयान करते वक्त कोई एक पैगाम देने वाला आता है और उस शख्स के इंटरप्शन की, की वजह से इमाम अपने उस खुतबे को स्टॉप कर देते और इब्ने अब्बास जो उस खुतबे को सुन रहे थे उन्होंने फरमाया मौला आगे इरशाद फरमाया मैं और सुनना चाहता हूँ आपके दिल में क्या है आपने क्या प्रिपेयर किया इमाम ने कहा ये कोई प्रिपरेशन नहीं की है ये बात जो मैंने बयान की है ये प्रिपेयर करके बयान नहीं की है ये स्पॉन्टेनियसली बयान की है जिसे हम कहते हैं इमाम बेहतरीन खुतबा बयान करते हैं एक्सटेम्पोर और ये कलाम इमाम का ऐसा है और इम्पोर्टेंट इस कलाम का इम्पोर्टेंस एक इसलिए भी है क्योंकि अहले सुन्नत बरदर के लोग ये कहते हैं कि अली को इन तीन खलफाओं से कोई तकलीफ नहीं थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम शियो को, को अली तो इनके साथ थे हाँ लेकिन ये हकीकत नहीं है क्यों हकीकत नहीं है और उन लोगों का ये क्यों कहना है कि अली उनके साथ थे इसलिए क्योंकि ये राशिदीन का जमाना यानी ट्वेंटी फाइव ईयर्स बायदा पच्चीस साल हाँ अबू बकर की खुलाफ आ, खिलाफत ढाई साल टू पॉइंट फाइव ईयर्स उमर की खिलाफत दस साल और उस्मान की खिलाफत साढ़े बारह ट्वेल्व पॉइंट फाइव बारह साल यानी की ने कहा, इमाम खामोश थे, और वो भी कोई आम इंसान नहीं फातहे बदरोनैन खामोश है अगर इमाम को प्रॉब्लम होती तकलीफ होती तो इमाम उनसे जंग करते आवाज उठाते अपने हक के लिए लेकिन इमाम ने, अली ने ऐसा कुछ नहीं किया इसका मतलब ये है कि अली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम तो शीहू को है ये उनका कहना है लेकिन उनका नजरिया सही नहीं है और इस बात की दलील यही खुतबा फुद्बा, खुदबाई शक्शकिया है नहीं? तो खुदबाई शक्शकिया अच्छा आजकल अहले तशय्य में भी कुछ लोग कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं क्योंकि वो रसूलुल्लाह के اصحاب थे लिहाजा उन्हें कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए लेकिन लेकिन कई असहाब ऐसे भी गुजरे हैं रसूल अल्लाह के जमाने में कि जिनकी खुद कुरान ने तंबी की है तंबी की है ठीक और खुद बे शक्शकिया एक ऐसा खुतबा है कि जिसमें इमाम अपने दिल की कैफियत को बयान करते हैं बयान करते हैं इमाम के इमाम के दिल पे क्या गुजर रही थी इन 25 सालों में और देखने की बात यह है कि ये 25 साल इमाम की जिंदगी का पीक टाइम था यानी बेहतरीन बेहतरीन साल इमाम की जवानी के साल इमाम थर्टी थ्री ईयर्स के थे जब सकीफा हुई है रसूल अल्लाह की शफादत हुई है सकीफा हुई है थर्टी थ्री ईयर्स से लेके फिफ्टी एट ईयर्स तक का सार वक्त यानी ट्वेंटी फाइव ईयर्स इमाम इस वक्त को किस तरह से बसर करते हैं ये इमाम ने खुद बेशक शकिया में बयान फरमाया है जब सकीफा हुई है अव्वलन जब रसोल्लाह की शहादत रसोल्ला की वफात वाकई हुई है उनके गुस्सलो कफन दफन को तर्क करके लोग सकीफा में इकट्ठा हो गए और के हक को तो बाज किया गया और ये जो खिलाफत यानी ये तीन खलीफा सब जानते हैं कि तीन खलीफा हैं, और तीनों खलीफा को सिलेक्ट करने के तरीके अलग अलग यानी परवर आलम का काम उसके अमूर एक नज्म से एक सिस्टम से सिस्टमेटिकली चलते ठीक है परवल दिगार आलम के उमूर, उसकी खिलाफत एक सिस्टम से चली आ रही है क्या खासियतें क्या खसलतें होनी चाहिए जो नुमाइंदे खुदा है जो हादी है परवल दिगार आलम की जानव से मुकर किया हुआ उसकी खासियतें क्या है उसकी सिफात क्या है वो किस तरह से आमाल को अंजाम देता है उसके कौल कैसे उसके फैल कैसे इसमें एक नज्म है एक सिस्टम है बाकायदा आप देखें रसोल्ला से लेकर आखिर उस आखिरी इमाम तक हर एक इनके कौल इनके फैल एक जैसे एक नज्म से एक सिस्टम है इनका लेकिन ये देखा जाए कि हिस्ट्री का एक सबसे बदनुमा दाग सकीफा जहां उन लोगों ने खलीफा लीडर सिलेक्ट किया ठीक है तीन मरतबा सिलेक्ट तीन लीडर्स बनाए गए और तीनों लीडर्स बनाने के तरीके अलग अलग थे पहला लीडर चुना गया उन लोगों ने फर्स्ट लीडर चुना उन्होंने कहा कि ये हमने इस लीडर को चुना है इलेक्शन तब कहा कि जब सारे मुसलमान इकट्ठा होकर किसी एक को अगर लीडर बना रहे तो उसे कहा जाएगा इलेक्शन लेकिन जब ये इलेक्शन हुआ तो कितने सारे कितने सारे रसूलुल्लाह के ऐसे सहाबा के जो बेहतरीन सहाबियों में शुमार किए जाते थे जिनके रसुल्लाह ने साफ बयान किए फजीलतें बयान किए एक्लट्स बयान किए ऐसे असहाब मौजूद जैसे सलमान जिसके लिए ही कहते सलमानल सलमान मौजूद हैं अबूजर अम्मार ये लोग कहा थे इनमें से तो कोई मौजूद नहीं था ये कैसा इलेक्शन था कि जिसमें रसोल्लाह के ऐसे नामी गिरामी सहाबा को नहीं गिना जा रहा और ऐसे ही इलेक्शन किया गया बहरहान इलेक्शन कंप्लीट हुआ अबू बकर को आ, एज, आ, खलीफा नुमाइंदा चुन लिया गया ठीक है अब ने दूसरा दूसरी खिलाफत तो पहले आ, खलीफा ने सीधा सीधा दूसरे खलीफा का नाम सजेस्ट कर दिया कि मेरे बाद ये खलीफा यानी अपॉइंट कर दिया डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पहला हुआ कैसे पहला हुआ इलेक्शन से दूसरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से और तीसरा शुरा कमेटी शुरा कमेटी क्या है <coughs> इनशाला हम खुद बस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उससे कबल मैं थोड़ा सा अः आप लोगों के सामने आ, हमारी तारीख का पस मंजर पेश करना चाहती हूँ कि खुद खुतब किया के पीछे का पसमंजर क्या है ठीक है पहला इलेक्शन से दूसरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से और तीसरा जो चुना गया वो शुरा कमेटी वोट इज दिस शूरा कमेटी अकॉर्डिंग टू शुरा कमेटी दूसरे खलीफा ने छ लोग चुने ओके सिक्स पीपल सिक्स पीपल की एक टीम बनाई गई बाकायदा इन छह लोगों में कौन कौन था एक तो अमीराम की हस्ती कैसे, कैसे लोग कौन कौन लोग हैं क्या कह रहे हैं अली अलीलाम है उस्मान है तलहा है जुबैर है साद बिन अबी वक्का है रहमान बिन ऑफ अच्छा यहाँ ये जो साद बिन अबी वक्का है ये कौन है जानते उमर साद का बाप

कि छह में से अगर पांच किसी एक बंदे की तयद करें और कोई एक अलग किसी को चुने तो उस एक को कत्ल कर दो Interesting. दूसरा कि अगर इन छह में से चार लोग किसी एक की नुमाइंदी की, की तयद करें और दो लोग किसी और की तयद करें तो उन दो को कत्ल कर दो इंटरेस्टिंग और अगर तीन तीन का ग्रुप हो जाए छह में से तीन लोग किसी की तईद करें तीन लोग किसी और की तईद करें यानी तीन तीन डिवाइड हो जाएं, हो जाएं। तो टाई ब्रेकर कौन था जानते तयद तो तो करेगा वो खलीफा बन जाएगा ठीक है अब इस, इस रूल्स कैसे थे हम सोच सकते कि ये, ये कि किस टाइप के रूल्स बनाए गए अच्छा अब ये अहले सुन्नत की नजर में भी देखें कि ये जो छह लोग हैं ना ये उन लोगों की सही किताब सही बुखारी सही मुस्लिम के अकॉर्डिंग जो दस जन्नतियों की जो लिस्ट है ना आप लोग शायद जानते होंगे कि उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग दस लोगों की लिस्ट है कि जो जन्नती उन लोग वो लोग मानते हैं कि ये दस तो बाकी सारे जाए नहीं जाए नहीं मालूम बट ये ये दस लोग तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे उनमें से ये छो के छे नाम उसमें मौजूद है ये छ के छ नाम उसमें मौजूद अब सोचो ये कैसा ये किस तरह का रूल है कि एक को कत्ल कर दिया हाँ या फिर दो को कत्ल करने का इरादा यानी ये जो रूल्स है ये बता रहे हैं कि इनमें से जो बाकी लोग हैं उनकी अहमियत दूसरे खलीफा की नजर में क्या है हु? बहरहाल बहरहाल अब्दुल रहमान बिन ऑफ अच्छा अब इसे टाई ब्रेकर की पोस्ट पे चुना गया कि अब्दुल रहमान बिन ऑफ अब जिसकी तारीफ करेगा वो खलीफा बन जाएगा अब अब्दुल रहमान बिन ऑफ ने सबसे पहले कहा कि मैं अली की तायद करता हूँ अलीम की ठीक है मगर मेरी एक शर्त है अब आप सुनिएगा वो शर्त क्या है अब्दुल रहमान बिन ऑफ ने कहा कि मैं अली की तायद करता हूँ मगर मेरी शर्त यह है कि अगर अली रसूल की सुन्नत पर और पहले और दूसरे खलीफा की ये तीनों की सुन्नत पर अमल करेंगे तो ही वो खलीफा मुकर किए जाएंगे अमीर अल ने फौरन कहा कि अगर ये तीनों की खिलाफत तीनों की सुन्नत सेम है तो अलग अलग बयान करने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता और अगर ये तीनों की सुन्नत अलग अलग है हु? तो मैं फकत रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करूंगा बाकी किसी की सुन्नत पर अमल नहीं करूँगा यहाँ लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे मगर अमीर ही वॉज वेरी क्लियर वेरी प्रिसाइज उन्हें पॉलिटिक्स खेलने की जरूरत ही नहीं थी उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं फकत रसुल्लाह की सुन्नत पर मुकम्मल मुकम्मल मल करूंगा और करवाऊंगा की दुखी सुन्नत पर नहीं ठीक है क्या ये दो, ये दोनों की सुनत रसुल्ला की सुन्नत से मैच करती थी या नहीं मैच करती थी हुँ? अब जानते होंगे कि खलफा ने कुछ चीजें रसोल्ला के जमाने से जो चली आ रही थी यानी रसुल्ला ने जो चीजों को हलाल किया था उन्हें हराम कर दिया और जिसे हराम किया था उसे हलाल कर दिया और कई चीज़ों में चेंजेस लेके आ गए ना फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मुता जो रसोल्लाह के जमाने में हलाल था चॉइस था और दूसरे खलीफा ने अपने जमाने में इसे हराम कर दिया हराम हराम कर दिया दूसरा अजान अजान में तहरीफ हुई यानी जिसे हम कहते हैं हयाला है अमल तो ये या हयाला अमल नहीं कहते हयाला अमल यानी खैर अमल बेहतरीन अमल की तरफ जल्दी करो सलात बेहतरीन अमल खैर अमल अमाल में सबसे बेहतरीन अमल इसका कहना क्या था जानते? उमर का ये कहता था खैर अमल जिहाद है। ये चाहता था कि सब जिहाद की तरफ जाए सलाद की इम्पोर्टेंस जिहाद के सामने कम है और इसीलिए इसने ये हया अला अमल निकाल दिया अज़ान में से वो नहीं कहते हैया अमल इसकी जगह क्या ले आए जानते नमाज नींद से सो जाने से बेहतर है। नमाज़ की और सो जाने ट्वेल्थ ये स्टैंडर्ड तो, ये तो, तो तो का बच्चा नर्सरी के बच्चे से ज्यादा समझदार है अरे ये तो है ही ना इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे में और नर्सरी के बच्चे में क्या कंपटीशन वैसे ही नमाज और नींद का क्या कंपटीशन ये दोनों तो कंपटीशन के लायक ही नहीं है यानी नमाज बहुत बुलंद नमाज बहुत बुलंद इसने कह दिया असला अस तो खैर उम्मीद है नौ लेकिन खैर अमल नहीं खैर अमल नहीं। क्यों क्योंकि वो चाहता था खैर अमल जिहाद बने बहरहाल तीसरा तरावी

के तरावी बाजमात जो तरावी पढ़ी जाती है ये पढ़ना हराम हराम ठीक है यानी ये सारी बिदअत शामिल की गई अमीर अल ने कहा मैं इन दोनों की सुन्नत पर अमल नहीं करूंगा मैं रसूल की सुन्नत पर अमल करूंगा फौरन अब्दुल रहमान बिन बिनॉफ ने कह दिया कि अगर ऐसा है तो मैं आपकी नुमाइंदगी की, की तयद को वापस लेता हूँ और अब मैं उस्मान की नुमाइंदगी की तयद करता हूँ उस्मान या तुम इन तीनों की सुन्नत पर अमल करोगे उस्मान ने कह दिया हाँ प्रॉब्लम आई एम रेडी और फिर बन गए उस्मान खलीफा ठीक है अब ये जो तीन खलीफा बने इन तीनों के जमाने में अच्छा अमीर अलमोमिनी ने क्यों जंग नहीं की इमाम ने क्यों आवाज नहीं उठाई इमाम के बाकायदा ये जुमले हैं कि अगर मुझे चालीस वफादार भी मिल जाते तो मैं आवाज उठाता मगर चालीस भी नहीं अबू सुफियान आया था अबू सुफियान आया था एक पैगाम लेकर के या अली आपकी खिलाफत को गजब किया जा रहा है सकीफा में आप जानते हैं सकीफा में आपके साथ क्या हो रहा है आप आए मेरे साथ मैं आपका साथ दूंगा और मैं आपकी मदद करूंगा और मेरे पास एक लश्कर भी है आए हम जंग करेंगे और इन लोगों से आपकी खिलाफत आपका हक वापस ले लेंगे अली जानते थे अली जानते थे दिलों की हालात को पहचानते थे अमीर अमीरिन जानते थे कि इसका इरादा इसका इरादा मेरी मदद का नहीं है मगर ये चाहता है कि मुसलमानों के दरमियान मु आपस में ये लड़े और खत्म हो जाए ये इस, ये इस्लाम का मुसलमानों का खैर हुआ कभी था ही नहीं हती कि रसूलवाख ने भी कभी इस पर भरोसा नहीं किया कभी इस पर भरोसा नहीं किया तो मैं कैसे इस पर भरोसा कर लू अमीर ने उसे भेज दिया वापस ये कहकर के मैं तेरी इस आ, मदद को एक्सेप्ट नहीं करूँगा अब कुछ मुसलमान ऐसे भी थे हाँ जो आए अमीर अमीरिन के पास ठीक है आने के बाद इमाम से कहा कि मौला आपका हक गसब किया जा रहा है और हम जानते हैं कि गदीर में आपको खलीफा बनाया गया था आपको नुमाइंदा बनाया गया था आपको इमाम तस्लीम किया गया था लोगों ने आपकी बैद भी की थी मगर गदीर को फरामोश किया जा रहा है मौला अगर आप हुक्म करें तो हम आपके साथ हैं हम आपकी नुसरत तो और आपकी मदद करने के लिए तैयार है ठीक है अब जब ईमान ले आए तो इम्तिहान के बिना कैसे छोड़ा जाता अमीर मिन ने फौरन कह दिया कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मेरी मदद करोगे हाँ मदद के लिए आओगे तो ठीक है कल अपने अपने सर मुंडवा के आना हु? अपने अपने सर मुंडवा के आना कई सौ लोग आए थे ठीक है इमाम की मदद की नुसरत का दावा करने करके लेकिन दूसरे दिन जब सर मुंडवा के आने की बात हुई तो फकत पांच लोग ओनली फाइव फकत पांच लोग थे कि जो सर मुंडवा के हकीकतन इमाम के दरवाजे पर आके खड़े हो गए कौन थे सलमान बुजर जुबैर।, जुबैर के जुबैर भी हाँ अच्छा ये जुबैर इनिशियल स्टेज में इनिशियल डेज में ये जुबैर इमाम के चाहने वालों में से थे ठीक है इमाम के चाहने वालों में इसका शुमार था बाकायदा इमाम के जुमले है के अब्दुल्ला बिन जुबैर यानी जुबैर के बेटे की विलादत के बाद यानी वो जब जवान हुआ उसके बाद जुबैर हमसे अलहदा हो गए यानी पहले इमाम के चाहने वाले थे मगर उसका बेटा जब जवान हुआ तो उसके इन्फ्लुएंस में आके वो इमाम से दूर हो गए यानी यू नेवर नो हाँ जिंदगी हमें कब इमाम के नजदीक ले जाए कब इमाम से दूर ले जाए बहुत एहतियात रह, रहना बरतनी है बहुत मोहतात रहना है इस चीज के लिए कि हमें हमारी औलाद हमारी ख्वाहिशें हमारी आ, दुनिया हमें हमारे इमाम से दूर नहीं करती बहरहाल <laughs> अब हम आगाज करते हैं खुद बी शख शिया ये जो ट्वेंटी फाइव ईयर्स जो इमाम ने बसर किए हाँ ये जो पच्चीस साल इमाम ने गुजारे हैं ये पच्चीस साल की कैफियत इमाम बयान करना है खुद बई शख शकिया इमाम फरमाते हैं खुदा की कसम खुदा की कसम अबू कहाफा के बेटे ने खिलाफत का लिबास खेच के पहन लिया जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि खिलाफत में मेरा मेरी वो जगह है मेरी मेरी वो जगह है कि जो घंटी यानी जिसे कहते कि विंड मील, मील में एक्सेस की जो जगह होती है वो जगह है मैं वो ऊंचा पर्वत हूँ कि जिस पर से इल्म का पानी बहता जा रहा है नीचे उतर रहा है और मेरे ऊपर से कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता ये इमाम अपने गिनवा रहे हैं। इमाम का इल्म कैसा था इस्लाम में आ, खिलाफत में इमाम का मर्तबा, इमाम का रुतबा क्या था हाँ मगर फिर भी अबू कहाफा के बेटे यानी कौन पहला खलीफा अबू बकर को इमाम ने अबू कहाफा का बेटा कहा है ठीक है इमाम फरमाते हैं, फिर भी मैंने खिलाफत के आगे एक पर्दा लगा दिया और सोचने लगा कि अपने कटे हुए हाथों से उन पर हमला कर दूं या फिर इस भयानक अंधेरे में सब्र का दामन लूं जिसमें सब्र इमाम ने इख्तियार किया ये कितना मुश्किल काम था कितना मुश्किल काम था इमाम सोच रहे हैं अच्छा ये जो इमाम के जुमले हैं अपने कटे हुए हाथों से हमला करो हाँ इसमें इमाम का दर्द दर्द दिल नजर आ रहा है कटे हुए हाथ यानी क्या बाजू वो जो इमाम इमाम फरमा कि कटे हुए हाथ इमाम के बाजू कौन थे इमाम के चाहने वाले इमाम के मदद करने वाले वो लोग थे जो इमाम का बाजू थे इमाम की ताकत इमाम कह रहे कटे हुए हाथों से यानी इमाम के चाहने वाले ऐसे नहीं थे ऐसे नहीं थे जो इमाम की मदद करने रहे हक कसब हो रहा था मगर इमाम के मददगार आगे नहीं आ रहे खली, खलीफा बन गए और खिलाफत इन्होंने अपने पास ले ली इसके बाद अमीर अलमोमिन पर अजियतों का दौर शुरू हो गया हता यहाँ तक के यहाँ तक के अहले शिया ने अली पर भी मुसीबतों का दौर शुरू हो गया अब जानते होंगे कि मालिक बिन नुबैरा मालिक बिन नुबैरा रसूल अल्लाह के असहाबों में से एक थे हाँ रसूल अल्लाह के आ, बेहतरीन चाहने वालों में से अंसारों में से एक थे ठीक है जिस पर रसूल अल्लाह भरोसा करते थे यानी जो रसूल अल्लाह के साथ रहते थे अच्छे चाहने वालों में से मोतबर मोतबर जिसे हम कह सकते हैं ठीक मोतबर चाहने वालों में से एक थे पहले खलीफा के जमाने में अबू बकर के जमाने में अबू बकर ने उनके पास से टैक्स लेना चाहा, टैक्स मांगा किसके पास से मालिक बिन ना के पास से जब अबू बकर के नुमाइंदों ने अबू बकर का नुमाइंदा कौन था हैं खालिद बिन वलीद, वलीद अबू बकर का नुमाइंदा बन के मालिक बिन नुबैरा के पास जब टैक्स लेने के लिए गया तो मालिक बिन नवेरा ने कह दिया कि मैं टैक्स तुम्हें नहीं दूंगा मगर उसे दूंगा जो हकीकी मानों में टैक्स लेने का हकदार है खिलाफत का हकदार है मैं फकत और फकत वारिसे गदीर गदीर जिस गदीर में जिसे मौला बनाया गया है गदीर में जिसे खलीफा बनाया गया मैं सिर्फ उसे अपना टैक्स दूंगा ठीक है और जब ये मैसेज उस तक पहुंचा अबू बकर तक तो उसने खालिद बिन वलीद का सर कलम करवा दिया यानी उसे, उसे कत्ल करवा दिया जुर्म क्या था उसका क्या जुर्म था सिर्फ ये सिर्फ ये कि उसने सलाम की खिलाफत की तारीद की थी इस एक रीजन से इस एक रीजन से उसने क्या किया सलाम के चाहने वाले का सर कलम करवा दिया उसे शहीद कर दिया ऐसा यहाँ तक कि तुम समझ सकते हैं कि इमाम के दिल की कैफियत इतनी सख्त कैफियत थी इमाम आगे बयान फरमाते हैं इमाम फरमाते कि एक ऐसा अंधेरा था कि जिसमें पक्की उम्र का बिल्कुल कमजोर और जयीफ हो जाए ऐसा अंधेरा था कि जिसमें पक्की उम्र का यानी एक उम्र दराज इंसान बिल्कुल कमजोर और बच्चा जयीफ हो जाए और मोमिन अपने जो मोमिन थे उस जमाने इसमें मेहनत और कोशिश करते करते अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाएलमंदी इस लगी इसलिए मैंने सब्र की जब के सब्र की इमाम कहते हैं, मैंने सब्र किया इस अंधेरे में सब्र करना मुझे अक्लमंदी लगी इसलिए मैंने सब्र किया लेकिन जब के मेरी आंख में कंकर के टुकड़े की चुभन होती थी इमाम की तकलीफ का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है सच में इमाम किस तकलीफ से गुजर रहे थे हम नहीं समझ सकते हुँ? क्योंकि हम हम अगर देखें कि हमारी आंख में एक छोटा सा तिनका एक छोटा सा बाल फकत बाल बाल कितना बारीक होता है छोटा सा बाल भी चला जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते फौरन आंखों में पानी डालेंगे कोशिश करेंगे कि वो वो बाल से, आंख से बाहर निकल आए इमाम फरमाते ऐसा महसूस हो जबकि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी आंख में कंकर का टुकड़ा इक, एक एक बारीक कंकर का टुकड़ा चुभ रहा है इमाम फरमाते और मेरे मेरे गले में हड्डी फंस गई है किस चीज की हड्डी आप जानते सैयद रजी कीजुल बलागा के अंदर इन ब्रैकेट लिखा गया है दुख और गम की हड्डी दुख और गम की हड्डी गले में अटक गई हूं मैं अपने विरसे को लूटते, लूटते हुए देख रहा था यहाँ तक के पहला अपने अंजाम तक पहुंच गया पहला यानी पहला खलीफा अपने अंजाम तक पहुंच गया और अपनी अपने बाद अपनी खिलाफत को दूसरे के हाथ में सौंप के चले गए क्या ये दिन जो ऊंट के ऊपर बीत रहे हैं क्या ये उन दिनों के आ, बराबर है जो जाबिर बिन हयान जैसे के के साथ बसर होते थे क्या ये दिन उनके जैसे हैं इमाम को इतनी तकलीफ इतना दर्द हो रहा था कि इमाम इन दिनों की उन दिनों के साथ कंपैरिजन कर रहे कि इमाम कह रहे कि क्या ये दिन कि जो ऊंट की पीठ पर बिताए जा रहे हैं क्या ये उन दिनों के बराबर है कि जो जाबिर के भाई हयान के साथ गुजर रहे थे इमाम के आंखों में कांटे की तरह चुभन गले में हड्डी फंसी हो ऐसी तकलीफ इमाम का दिल दर्द और हुज्न से भरा हुआ अब समझ सकते हैं ये वही जमाना था ये वही जमाना था इमाम पर इस तरह से जुल्म सितम हो रहा था इन इन ट्वेंटी में इमाम क्या कर रहे थे इन पच्चीस सालों में आप जानते हैं पहले खली, खलीफा जब खिलाफत को करते हैं खलीफा बनते ये नहीं कहूँगी खिलाफत को करते हैं उस वक्त अमीर कुरान को कंपाइल कर रहे थे वो अमीरिन थे जिन्होंने कुरान को जमा किया और उस कुरान को भी किस तरह से जमा किया अच्छा अमीरिन सबसे ज्यादा हकदार थे कि कुरान को जमा किया जाए क्यों रीजन ये है कुरान की पहली आयत Lekar, downtuco, تक, हस्ती थे जो के उसके कबल से लेकर लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ पूरा का पूरा कुरान अमीर के सामने नाजिल हुआ अमीरिन वो हस्ती थे जिन्हें कुरान मजीद के नुजुल तो, तो, उसकी आयात उसकी तफसर और किस वक्त नाजिल हुई किन हालात में नाजिल हुई उन आयात के पीछे बैकग्राउंड क्या था किस वजह से नाजिल हुई किस बेस पे नाजिल हुई ये सारी इंफॉर्मेशन इमाम अमीर के पास मौजूद थी लिहाजा ने इन ट्वेंटी फाइव ईयरस में सबसे पहला काम जो किया वो कुरान को कंपाइल किया और वो किस तरह से कि उस उन आयतों के साथ साथ वो आयत कहाँ नाजिल हुई है किस तरह से नाजिल हुई है यानी उसकी तफसीर भी साथ साथ में लिखी क्या इस कुरान को लोगों ने एक्सेप्ट किया इमाम इस कुरान को लेकर तो गए थे लेकिन क्या लोगों ने इस कुरान को एक्सेप्ट किया हरगिज नहीं हरगिज नहीं लोगों ने इस कुरान को एक्सेप्ट नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि कई बड़े बड़े लोग ऐसे थे कि अगर वो लोग इस कुरान को एक्सेप्ट कर लेते तो उनके आबाओ अजदाद बेनकाब हो जाते लिहाजा इन लोगों ने कुरान को एक्सेप्ट नहीं किया वापस भेज दिया वापस भेज दिया अमीर टूटे हुए दिल के साथ इस कुरान को वापस ले आए जुल्म की इब्तदा यही से हो गई अजीजा ने मुख्तरा किस कदर किस कदर जुल्म हुआ किस कदर जुल्म हुआ है? अगर हम तस्वुर करें यकीनन अगर हम जैसा कोई आम इंसान होता तो बेशक बेशक स्ट्रेस, डिप्रेशन की हालत में मुबला हो जाए छोटी छोटी मुश्किलें मुसीबतें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना हम सोचे अमीर उसी जमाने में ये मंजर सारे इनकी निगाहों के सामने से गुजरे हैं कि किस तरह से है, को 25 के अंदर गले में रस्सी का फंदा डाल के घसीटते हुए ले जाया गया क्यों इनकी हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई जब ये जानते थे जब ये देख चुके थे कि अमीर मुबमिन के, के बाजुओं की ताकत कितनी ज्यादा है कितनी ज्यादा है इमाम कितने ज्यादा शुज़ा बहादुर हैं इमाम की जुल्फकार की धार कितनी तेज है फिर इनकी ये मजाल कैसे हिम्मत कैसे हुई कि अली जैसे मर्द की गर्दन में रस्सी डालकर घसीट कर ले जा सके क्योंकि ये जानते थे ना ये जानते थे कि अली कितना भी जुल्म हो जाए सह लेंगे क्योंकि इन्हें अल्लाह ने सब्र की तलकीन की और ये अल्लाह की बात को टालते नहीं थे इसीलिए इसीलिए लोगों की इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई और इन लोगों के जुल्म बढ़ गए। इनकी फुरकत इनकी जुदाई इन्हीं पच्चीस सालों का इन्हीं पच्चीस सालों का कारनामा इन्हीं खलफा का कारनामा है कि किस तरह से किस तरह से सैदायल आलमीन जैसी हस्ती बीबी जैसी हस्ती जिनके लिए अमीर मुमिनीन ये कहते थे कि शहजादी कौनैन की शहादत पर इमाम ने यह कहा था कि जहरा की जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी यानी इतनी इम्पोर्टेंट अः हस्ती अमीर मुमिनीन की जिंदगी में और इनकी शहादत इन्हीं पच्चीस सालों का मजमु आप करें करेंजान मोहतरम के इमाम के दिल पर कितने दर्द कितने दर्द होंगे इमाम कितने तकलीफ में होंगे ये जो अल्फाज है ना इमाम के कि मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभन या फिर इमाम के गले में हड्डी की तरह अटक जाना यानी इमाम के जो जुमले में फिर से अगर दोहराऊं वो जुमले इमाम कहते थे मेरी आंख में कांटे की तरह चुभता था एक कंकर और यहाँ पे ब्रैकेट में सैद रजी ने लिखा है कि कंकर के टुकड़े की तरह चुभन होती थी और इमाम के गले में दुख और गम की हड्डी फंसी हुई थी हम सोच सकते हैं कि किस तरह से इमाम ने उन 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 उस वक्त के मंजरों को बर्दाश्त किया होगा इमाम के उस दर्द को महसूस कर सकते हैं क्या ये जो इमाम कह रहे हैं किस तरह से सदतुल्निस आलमीन के पहलू पर दरवाजा गिरा शिकम मादर में जनाब मोहसिन की शहादत बीबी को तमाचे का लगना मोहतरम ये बहुत बहुत बड़े बड़े दर्द थे बहुत बड़े दर्द यकीनन, अगर कोई और होता तो से मुंह फेर कर चला जाता और जिसने ये दर्द दिए हैं उनमें सबसे नुमाया नाम सबसे आगे अगर कोई है तो वो दूसरा खलीफा उमर उमर खत्ताब। ये उमर था कि जिसने इन इन जुल्म की आगाज़ आगाज़ इस जुल्म का आगाज किया था और वही उमर हाँ वही उमर जब उसकी खिलाफत का दौर आया है और अमीर मुश्किल कभी कोई मुश्किल अच्छा इसमें से एक इंटरेस्टिंग मुश्किल तो ये भी थी अच्छा जानते हैं जो कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर हमारे पास है ये ये किसकी देन है ये सेकेंड खलीफा के दौर में जब लोग आए अब उस जमाने में आ, लोग साल का पता वाकयात से लगाते थे यानी कोई एक वाकया पेश आया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने साल का नाम रख दिया यानी जैसे कि आमूल फील हाथी का साल हाँ अः अमुलजन यानी अलग अलग साल का नाम उस अः वक्त के वाकये के मुताबिक रख देते थे कोई कैलेंडर नहीं था कैलेंडर कब आया इस्लामिक कैलेंडर का आगाज कब हुआ ये तब हुआ कि जब दूसरे खलीफा के दौर में कुछ लोग खलीफा के पास आए और आने के बाद कहने लगे कि हम चाहते हैं कि हम इस ए, इस आ, साल से कैलेंडर का आगाज करें मैंने एक, एक एक कैलेंडर बनाए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें कैसे बनाए ठीक है अब जब क्वेश्चन आया और आंसर नहीं है खलीफा तो बन गए खलीफा बन गए लेकिन आंसर नहीं है अब क्या किया जाए अब किसके पास जाए कौन देगा आंसर हकीकी नुमाइंदा हकीकी खलीफा वो आंसर देगा और अमीर मुमिनीन के पास उमर आता है और आने के बाद ये सवाल रखता है कि आ, याली बताएं हमें अबल हसन के हम कैलेंडर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे बने फिर अमीर मुमिनीन ने ये मशवरा दिया कि कैलेंडर बनाने के लिए तुम हिजरी के साल को बेस बनाओ और उस साल को बेस बनाकर कैलेंडर बने यानी हिजरी सन एक हिजरी सन दो हिजरी सन तीन है ना ये होता है ना ये अमीर अलमिन का सुझाव था ये अमीर अलमिन की एडवाइस थी अच्छा इसे भी अहले सुन्नत के लोग ये समझते हैं कि अली अगर मशवरे देते थे खलीफा को तो इसका मतलब कि वो उनके साथ थे ऐसा तो नहीं है ना ऐसा तो नहीं है ये इतने सारे वाकयात पेश आने के बावजूद वो जिगर था अली का वो जिगर था अली का कि फातिमा जहरा जब सामने सवाल लेकर आता था तो इमाम की नजर इस्लाम पर होती थी इस्लाम पर होती थी अपने पर्सनल ग्रजेस अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स अपनी पर्सनल दुश्मनी को इमाम बेज नहीं बनाते थे इमाम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे मगर इम्पोर्टेंस देते थे इस्लाम को हमेशा एवरी सिंगल टाइम इमाम ने इस्लाम को इंपॉर्टेंस दिया है जब भी इस्लाम के सामने कोई सवाल आया है तो इमाम ने ये नहीं कहा अगर अगर हम जैसा कोई होता ना तो शायद यकीनन कह देता क्यों खलीफा तो बन गए ना अब जाओ खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो लेकिन इमाम ने कभी ये नहीं कहा हा? इमाम ने जब भी कोई मुश्किल लेकर आया है मुश्किल कुशाई की इस्लाम का तहफ इस्लाम की इज्जत की हिफाजत उसके सच्चे नुमाइंदे ने हमेशा की हमेशा की और अजीजा ने मकसद यकीन बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल था था बहुत मुश्किल मगर बहरहाल वो इमाम इस्लाम के हकीकी नुमाइंदे थे और इस्लाम की लाज रखना उनका काम था बहरहाल इमाम ने हमेशा हमेशा इस्लाम की लाज रखने की कोशिश की लेकिन फिर भी इन्हें इनका हक नहीं दिया गया दिल में नफरत थी दिल में ग्रजिस थे मगर मुश्किल आती थी तो जानते थे मुश्किल कुशा कौन थे इसीलिए दूसरा खलीफा अपने जमाने में ये कहता हुआ नजर आया लौला अली लाला उमर अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता उमर हलाक हो जाता है ना ये यही इनकी खासियत है अहल सलाम की कि लोग इनसे कितनी भी दुश्मनी रखें मगर इनके बिना लोगों का काम नहीं चलता था जैसे कि अल्लाह बस आखिरी चंद लम्हे हैं और आपकी जहमत तमाम जैसे कि अल्लाह लोग अल्लाह पर कुफारे कुरैश पत्थर बरसाते थे गलाजते डालते थे उन्हें बुरा भला कहते थे मगर जब अमानत देने की बारी आती थी तो बराबर अल्लाह के पास जाते थे क्यों जानते थे जानते थे कि रसूल अमीन है ये हमारी अमानत सलामत रखेगा और सलामती से हमें वापस पलटाएगा बुरा बुरा वो भी अमानत लेकर तो रसूलुल्लाह के पास आते हाँ ये अहले बैत का रसूल का तरीका कार था कि लोग इनसे कितनी नफरत क्यों ना कर ले मगर इनके बिना लोगों को चलता नहीं था इनकी खासियतें ऐसी थी इनकी सिफात ऐसी थी इसीलिए तो जब हिजरत हुई तो रसोल्ला सारी अमानतें अलीलाम के सिपर्द करके गए थे और कहा था कि इन अमानतों को उनके अखदारों तक पहुँचा तो देना अजीज़ा ने मोहतरम परवरदिगार करें कि इस दर्द के बाद हम भी हम भी रसुल्लामानत दार बन जाए और जो अली सलाम के दर्द को महसूस कर सकता है वो ये समझ सकता है कि खुद अपने अमाल को ऐसा बनाए कि जब अली का वारिस इस दुनिया में आए तो हमारी वजह से जो दर्द अली को हुआ था जो दर्द अली को हुआ था वैसा दर्द हमारी वजह से हमारे जमाने के अली को ना हो ना हो इसका ख्याल रखें परवरदिगार आलम हमें बेहतरीन तौफीक अता फरमाए वो आखिर دعوانا ان الحمد لله इस खुतबे के आगे का जुस आ, इसके बाद next تايم ان شاء الله next درس مي بيان كرينج واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجك وحشرنا